Hello guys, welcome back again. Today's topic is types of bond fission. So today we will discuss about types of bond fission in this video. So let's get started. तो ये जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, कल हमने डिस्कस किया था कि कर्व्ड एरो नोटेशन क्या होता है, और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो आज ये उसका सेकेंड टॉपिक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। तो देखिए, यहाँ पर फिजन का मतलब होता है, तो यहाँ पर फिजन का मतलब होता है ब्रेक से, बॉन्ड का ब्रेक मतलब की फिजन, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, अगर बॉन्ड फिजन की बात करें तो बॉन्ड फिजन हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है होमोलाइटिक फिजन और सेकेंड होता है हेट्रोलाइटिक फिजन। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि होमोलाइटिक फिजन और हेट्रोलाइटिक फिजन क्या होता है विद एग्जांपल। तो जो हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ आप एग्जांपल में देखिए कि जैसे ये ए है और ये बी है, और इन दोनों ने शेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, मतलब कि दोनों के पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन चले गए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इस पर फ्री रेडिकल आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसको इस पर फ्री रेडिकल आ गया। तो ये जो हमने ऊपर जो पॉइंट बिंदी जो लगा रखी है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखिए, तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए, इन होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्डेड पेयर गोज विद ईच ऑफ द डिपार्टिंग एटम, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा बॉन्ड उठ करके किसी एक के पास जा रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, एक इसके पास, तो उन दोनों पर क्या आ रहा है, फ्री रेडिकल। तो इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। सेकेंड टाइप है हमारा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, तो देखिए, वहां जब हम पढ़ रहे थे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, तो वहां पर जो हमारा बॉन्ड बन रहा था शेयरिंग करके, उसका एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जा रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जा रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास ही चले जाएंगे, किसी एक के पास मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके पास चले जाएंगे। सपोज करिए, मैं ए बी यहाँ पर, ये मेरा एग्जाम्पल है, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हमारा जो ये जो बॉन्ड है, ये सारा का सारा बॉन्ड बी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो बी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्योंकि इसमें ए का भी शेयरिंग है एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन बी ने ए का भी ले लिया और अपना भी ले लिया, तो ए का खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे इसका अनदर एग्जांपल है, यहाँ पर ये CH3Cl है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड हमारा क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, और इसकी तरफ ट्रांसफर होगा तो हमारे पास ये जो CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये HCl है, H प्लस आ गया, Cl नेगेटिव आ गया। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होगा वन एटम से अनदर एटम पर, ठीक है ना। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जा रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जा रहा था, पूरा का पूरा बॉन्ड नहीं जा रहा था होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में। यहाँ पर पूरा का पूरा बॉन्ड यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की तरफ चला जाएगा, और किसकी तरफ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब यहाँ पर कुछ दो पॉइंट हैं जो नोट करने हैं आपको, कि होमोलाइटिक फिजन जो होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन तब होता है तो उसको लेस एनर्जी चाहिए होती है हेट्रोलाइटिक फिजन के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि देखिए समझिए, जैसे वहां पर क्या हो रहा था कि ये HCl, तो वहां पर क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा था, क्योंकि इसने भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला था और उसने भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला था। तो जब दोनों ने बोला कि मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे, तो कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना ही इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो झगड़े वाली कोई बात नहीं, वो दे देगा। लेकिन अगर हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन की बात करें, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये उसके भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो झगड़ा करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए जो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है एज कंपेरिजन में इसके होमोलाइटिक के कंपेरिजन में। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर नोट करना है आपको, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हेट्रोलाइटिक फिजन आर नोन एज आयनिक रिएक्शंस। क्यों भाई, क्योंकि देखिए, जब हमारी जो रिएक्शंस हो रही है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में, देखिए यहाँ पर ये हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में, यहाँ पर हमें आयन्स मिल रहे हैं। आयन्स क्या होते हैं ये समझिए,
तो किसी भी एटम के ऊपर जब कोई भी चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो वो आयंस हो जाते हैं, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा इस पर प्लस चार्ज आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ठीक है? तो हमारे आयंस तो फॉर्म हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो यही कह रहा है कि जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में, उन रिएक्शंस को हम आयनिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन और होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।